क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बहू, मैं रेनू के बारे में सोच रही थी। क्यों मम्मी जी, कोई बात हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो उसका कई दिन से फ़ोन नहीं आया। तो मम्मी जी, अगर दीदी का फ़ोन नहीं आया तो आप कर लो फ़ोन। अरे बेटा, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अभी अभी नई नई शादी हुई है, क्या सोचेगी उसकी सास। तो शाम तक रुक जाओ आप, देखना शाम तक पक्का आ जाएगा फ़ोन दीदी का। अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे हाँ, आया दीदी का फ़ोन? अरे बेटा कहाँ आया, आया ही नहीं फ़ोन उसका। लाओ मैं ही मिला देती हूँ। हेलो दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? और मम्मी कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमारी मम्मी जी ठीक नहीं है। मम्मी ठीक नहीं है, क्यों क्या हुआ? अरे सूखी जा रही हैं आपकी याद में, लो बात कर लो उनसे। हेलो मम्मी। हेलो, हाँ रेनू बेटा, कैसी है तू? तू ठीक है ना? मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भाभी बता रही हैं आपकी तबीयत वो। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तू मेरी चिंता मत कर। तू ये बता, तू तो ठीक है ना? तेरे ससुराल में सब ठीक है? और मैंने तुझे इतनी बार फ़ोन किए, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सब ठीक है ना वहाँ पर? बस मम्मी वो है ना, घर के काम के चक्कर में ना टाइम मिल ही नहीं पाया। अब कई बार काम करते टाइम ध्यान भी आया कि अब फ़ोन कर लूँ, फिर दिमाग से निकल गई मेरे। और अभी है ना, 4-5 दिन पहले मेरी नंद आई हुई, वो है ना, और साथ में उनका छुटकू आ गया है, और छुटकू को खिलाने के चक्कर में ना टाइम ऐसे फुर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे तो बेटा ये थोड़ी है कि ससुराल के चक्कर में तो अपना मायका ही भूल जाए, और थोड़ा बहुत तो अपनी सास ननद को भी बोल दिया कर काम की। ये क्या बात हुई भला कि वो तो सारा दिन आराम करती रहे और तू अकेले काम में पिसती रहे। मम्मी आप ही बताओ, मेरी सास की उम्र हो गई है, अब क्या ही करेंगे बेचारी वो। और मेरी ननद 6 महीने में तो आती हैं, और आते फिर मैं उन्हें काम में लगा दूँ? नहीं मम्मी, अच्छा थोड़ी लगता है। और फिर भी है ना, नाना करते करते बेचारी मेरी नंद बहुत काम करवा देती है मेरे साथ। मम्मी ये मेरा घर है, इस घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी बनती है, अब इस घर को कैसे संभालना है वो तो मेरे ऊपर है ना। पता है मम्मी, मेरी नंद हंसते हंसते आती है, हंसते हंसते चली जाती है, और मेरी ननद को खुश देख कर है ना मेरी सास है ना बहुत खुश होती हैं, और दिन भर है ना मुझे आशीर्वाद देते नहीं थकती वो। और ये सब घर संभालना मैंने भाभी से ही तो सीखा है, जैसे भाभी ने वहाँ अपना ससुराल संभाल कर रखा हुआ है, मैं भी यहाँ कोशिश करती हूँ उनके जैसा बनने की। और मम्मी आप भी है ना भाभी का ध्यान रखा करो, अब वही आपकी बेटी है, मैं तो पराई हो गई ना। ठीक है मम्मी, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी सास से मुझे आवाज़ दे रही होंगी, ठीक है? और जैसे टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी, और आप ना मेरी चिंता है ना बिल्कुल मत किया करो, मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, ठीक है मम्मी? अच्छा ठीक है बेटा, खुश रहो। बस हो गई खुश? मैंने कहा था ना दीदी बिल्कुल ठीक होंगी। हाँ बहू, बात करके ना तसल्ली हो गई, मैं यूं ही परेशान हो रही थी बस। मम्मी जी ससुराल होता ही ऐसा है, शादी के बाद लड़की को मायके से ज़्यादा ससुराल की चिंता रहने लग जाती है, अगर वो मायके चली भी जाए ना तो चिंता ससुराल की ही रहेगी, पर जब जब सास आप जैसी और ननद हमारी दीदी जैसी हो